धर्म की सदा आती है, दिल धड़कता है तो मातम की सदा आती है, सांस लेता हूं तो जन्नत से आती है, दिल धड़कता है तो मातम की सदा आती है, सांस लेता हूं तो जन्नत से हवा आती है, कब्र में भोले मलक क्या तू उठाता था आलम, दिल धड़कता है तो मातम की सदा आती है, सांस लेता हूं तो जन्नत से हवा आती है, कब्र में भोले मलक क्या तू उठाता था आलम, तेरी मैयत तो खुशबू में वफा आती है। करबो बला के बल से गुजरना सबके बस की बात नहीं, हक पे जीना हक पे मरना सबके बस की बात नहीं, करबो बला के बल से गुजरना सबके बस की बात नहीं, हक पे जीना हक पे मरना सबके बस की बात नहीं, 30 दिनों का रोजा रखना सबके बस की बात तो है, 3 दिनों तक प्यासा रहना सबके बस की बात है, सफर तवील है राहे छोटी है, सफर तवील है राहे निजात छोटी है, अली का जिक्र बहुत है हयात छोटी है, सफर तवील है राहे निजात छोटी है, अली का जिक्र बहुत है हयात छोटी है, अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूं, अली का जिक्र बड़ा कायनात छोटी है, 10 बच्चों को पाला था किसी माँ ने जन्म से, 10 बच्चों को पाला था किसी माँ ने जतन से, ममता का सीला वो भी जईफी में ना पाई, 10 बच्चों को पाला था किसी माँ ने जतन से, ममता का सीला वो भी जईफी में ना पाई, हर चीज को तो बांट दिया बाप के मर्द, हर चीज को तो बांट दिया बाप के मर्द, एक माँ की जो किसी के हिस्से में ना आई, ठहरो फरिश्तों बाग में कर लेना फिर सवाल, ठहरो फरिश्ते बाग में कर लेना फिर सवाल, मैं मुस्कुरा के उनसे यही बोलता रहा, मुनके नकीर मेरी तरफ देखने लगे, मैं चेहरे अली की तरफ देखता रहा, अब्बास की निगाह में क्या फौजे शाम है, अब्बास की निगाह में क्या फौजे शाम है, अब्बास मुर्तजा की तमन्ना का नाम है, 12 इमाम मजहब इस्लाम में हुए, ये मजहब वफा का अकेला इमाम है, मैंने कहा कि आप सहाबी नबी के थे, मैंने कहा कि आप सहाबी नबी के थे, तो फिर आपने नबी को कलम क्यों नहीं दिया, मैंने कहा कि आप सहाबी नबी के थे, तो फिर आपने नबी को कलम क्यों नहीं दिया, बोले वो इंतकाम था खैबर की जंग का, आखिर नबी ने हमको अलम क्यों नहीं दिया, لا حول ولا قوة إلا بالله
بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على آثارهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وأصدق الصادقين في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت और मेरे इसने क्या खूबसूरत कहा कि जब
मुरसले आजम न रहे कौन रहेगा। जब पैगंबर इस्लाम बज़ाहिर इस दुनिया में नहीं है तो हमारी क्या हैसियत है, हम इस दुनिया में बाकी रहे। लेकिन अल्लाह ने दूसरा रुख देखिए, बस मैं आपको बोल रहा हूँ, दूसरा रुख देखिए। इधर तो इंसान चाहता यह है कि मैं मौत से बच जाऊं, लेकिन हर इंसान की ख्वाहिश यह है कि वो जन्नत चला जाए, है कि नहीं। कोई इंसान है जो इतनी छोटी सी मंजिल में खड़ा हूं जिसमें से कोई एक इंसान खड़ा हो जाए कहे कि नहीं मुझे जन्नत नहीं जाना है। सबकी ख्वाहिश यह है कि वो जन्नत जाए, मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत इंतजाम रखा है, कहा इस दुनिया में तुम्हें जन्नत मिलने से नहीं, जब तक मरोगे नहीं जन्नत मिलेगी नहीं। जन्नत जाने के लिए मरना जरूरी है। सबसे बात क्या होती है, हर खासकर समस्या में खाइश होती है, काश शरीफ से मुलाकात हो जाती, अहले बैत से मुलाकात हो जाती, रसूल से मुलाकात हो जाती, एक बार देख लेते है कि हर इंसान की ख्वाहिश है मुलाकात हो जाए, है कि सब ये चाहते हैं कि मुलाकात हो जाए। वाहिद जरिया है मौत, इसके अलावा कायनात में कोई जरिया नहीं है जो हम शियों को अली से मिला दे। मौत ही वो जरिया है जो शियों को अली से मिलाती है। इधर आंख बंद होने लगी उधर अली का चेहरा सामने आ गया। क्या बोलो, लोगों ने मौत को हवा बना दिया है, एक खौफनाक चीज बना दी है कि मौत नहीं पता नहीं क्या है। मासूम से पूछा, मौला लोग मौत से घबराते क्यों हैं, लोग मौत से घबराते क्यों हैं। मासूम ने कहा कि तुमने बच्चों को दुनिया में आते देखा है। कहा बोला हां, मुझे नहीं पता। कहा कैसे आता है। कहा जब भी दुनिया में आता होता हुआ आता है, दुनिया में जब भी आता है होता हुआ आता है। मैंने कहा तुम पता क्यों होता है। कहा नहीं मौला बता, आप कैसे जानते हैं। कहा वो बचने मादर को माँ के पेट को ही वो सब कुछ समझता है। वो सोचता है मेरे लिए बस यही दुनिया है, सब कुछ यही है। जब वो माँ के पेट को छोड़ के इस दुनिया में आने वाला होता है तो घबराता है, परेशान होता है, जाएंगे तो होगा क्या, लिहाजा रोता हुआ आता है। इंसान इस दुनिया को सब कुछ समझ रहा है, लिहाजा मरने से वो घबराता है, उसे पता ही नहीं मरने के बाद होगा क्या, उसे इल्मी नहीं है कि मरने के बाद हुआ क्या। और अभी जाने मोहतरम, हम शिया में हैदर करार, हम अली के चाहने वाले, हमें भला इस दुनिया से क्या मतलब, जिसके मौला ने दुनिया को तीन तलाक देकर ठुकरा दिया हो उसको भला इस दुनिया से क्या सरोकार है। अभी जाने मोहतरम, इंसान जो मौत की बात की जिंदगी को नहीं जानता उसलिए परेशान रहता है, घबराया हुआ रहता है कि मरेंगे तो मरने के बाद से जो जिंदगी आने वाली है उस जिंदगी में हमारा होगा क्या। अक्सर बात करते आगे सुनिए, यहां तो दूसरी जिंदगी से परेशान रहता है, घबराया हुआ रहता है कि मरेंगे तो मरने के बाद होगा क्या, बेचैन रहता है, परेशान रहता है। आज जाने वाला अब जब आप रिवायत की तरफ देखेंगे, आखिर मौत है क्या, अब जब गौर करेंगे तो दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत यह मिलती जो बहुत मारूफ है कि इंसान दो तरीके से मरता है, एक ऐसी कि जैसे रेशमी चादर, रेशम वाली जो चादर होती है उसको कांटे वाले दरख्त पे डाल के जो खींच लिया जाए, जो हालत चादर की होती है वही इंसान के जिस्म की होती है। बात उसे मालूम है कि एक इंसान जब मरता है तो उसकी रूह वैसे निकलती है जैसे फूल से खुशबू निकल जाए। रिवायतें दो तरीके की हैं, अल्लाह ने मतलब रिवायतें दो तरीके की नहीं बल्कि मरने वाले दो तरीके के हैं। इंसान के ऊपर है वो मरना कैसा चाहता है, वो कैसा चाहता है कि उसकी रूह निकले। अगर इंसान ये चाहता है कि हमारी रूह ऐसा निकले जैसे फूल से खुशबू, तो जो अल्लाह ने बताया है वो अहले बैत के बताया उस पर अमल करे। और अगर ये चाहता है जैसे रेशमी चादर को खादा दरख्त पे डाल के फेंक दिया जाए, जो हालत चादर की होती है जिस्म की होती है, तो वो भी इंसान के ऊपर है। इंसान को इसलिए अल्लाह ने अक्ल जैसी नेमत दी है ताकि इंसान अपनी इस अक्ल का इस्तेमाल करे
सही रास्ते में चले, अगर इंसान अमूदा इस्तेमाल करके सही रास्ते में चलता है तो उसकी मौत वैसे होती है जैसे फूल से खुशबू और इसी अमृत को जानवरों से बदतर कर देता है, तो फिर उसकी रूह वैसे निकलती है जैसे रेशमी चादर को खाकर अंदर रख डाल के फेंक दिया जाता है। इंसान को मरना कैसे, इंसान कैसे जाना चाहता है? और अल्लाह ने वो जो लोग ये इतराज करता है कि परवरदिगार आलम तू वक्त मुकर्रर क्यों नहीं कर देता, एक वक्त मुकर्रर कर देता कि 80 साल से पहले कोई नहीं मरेगा, फिर सब लोग कहीं लेते अपना करते हैं 80 साल तो जिंदा रहेंगे, मरना तो नहीं। लेकिन दुनिया में देखा जाता है कोई बच्चा जा रहा है, कोई जवान जा रहा है, कोई बूढ़ा जा रहा है, किसी की उम्र की कोई कैद नहीं है। अगर हम और आप जैसे लोग परवरदिगार आलम से पूछे परवरदिगार बता दो क्या इसलिए माजरा क्या है, कोई बचपन में जा रहा है, कोई जवानी में जा रहा है, कोई बुढ़ापे में जा रहा है, हमारी हैसियत और औकात क्या है कि हमारी बात को अल्लाह जवाब दे, हम इस लायक हैं कि डायरेक्ट बात को बोला। अच्छा आइए उससे पूछते हैं कि जिसकी बात डायरेक्ट पहुंचती हो, जनाब मूसा का दौर है, जनाब मूसा ने यही सवाल किया परवरदिगार आलम से, या अल्लाह जब तक मैं न कहूं तब तक गेहूं काटा नहीं। अरे मूसा आए खेत को हमवार किया, खेत तैयार किया, उसमें बीज बोया, बीज में से पौधा निकला, पौधा जो है ऐसा बड़ा हुआ, उस पर बालियां लगी, पौधा जो है वो बालियां लगने लगे, उसमें फल आने लगे, फल तैयार हुए, फल पक गए। अब इंतजार कर रहे हैं अल्लाह अब कहेगा काट दो, अब काट दो, अब काट दो, अब काट दो, अब काट दो, ये इंतजार करते रहे, एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, दो हफ्ता गुजरा, अब अल्लाह ने मूसा को लगा कि अगर अब नहीं काटेंगे तो अगर अब नहीं काटेंगे तो ये पौधा खराब हो जाएगा, ये फल खराब हो जाएगा। यहां जनाब मूसा ने हसवा उठाया और तमाम खेत को काट दिया। अभी खेत काटा था कि आवाज गुजरत आई, अरे मूसा उस गेहूं का क्या हुआ?
यही जनाब मूसा का दौर है, ये इसको पहुंचाई कार्यक्रम जनाब मूसा का दौर है। एक कबीले वाले जनाब मूसा के आए, आने के बाद फिर जाता है, कभी हम मरना नहीं चाहते, तवज्जो सुनिएगा इनाम को, हम मरना नहीं चाहते। अल्लाह ने समझाया ये कौन सी बात है भाई, सबको मरना है, तुमसे पहले वाले मरे, अब भी मर रहे हैं, तुम कौन से मतलब स्पेशल को बहुत करो। अब इस दुनिया से जा रहे हैं, अभी आराम देखा नहीं, पूरी जिंदगी शक्कर बीमारी कट गई, अब तो आराम का टाइम आया था। कभी उस बेटे इधर रहता, उस बेटे इधर रहता, उस बेटे इधर रहता, यहाँ आराम कर लेता, वहाँ आराम कर लेता, अब आराम का मौका आया है, अल्लाह ने फिर फरिश्ता भी दिया, लिहाजा वो परेशान है। अब परेशान है कि अब यहाँ से हम फुर्सत होकर जाएंगे, आराम कर नहीं पाएंगे। लेकिन अल्लाह ने पूछा, अगर वो नेक है परेशान नहीं पाते, उसको यही दुख है ना कि अभी हम आराम नहीं कर पाए, यही तो बोलता है कि रिश्तेदार छूट जाएंगे, हमारे बच्चे छूट जाएंगे, बीवी छूट जाएगी, माँ बाप छूट जाएंगे, ज्यादा नहीं, ये भी सब इन्हीं सब परेशान में रहता है, यानी लगा हो जाता है दुनिया से। लेकिन अल्लाह अगर इससे बड़ा इनाम दे, अल्लाह मरने के बाद अगर इससे बड़ा इनाम दे, मिसाल के तौर पर भी आप बाल बच्चों को, बीवी बच्चों को, माँ बाप को देख रहे हैं, अपने परदादा या उनके दादा या उनके दादा नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह ने उसका इंतजाम कर दिया। इसलिए इनाम की रिवायत जुड़े हैं कि जब नेक इंसान इस दुनिया से जाने लगता है, जब नेक इंसान इस दुनिया से जाने लगता है, फरिश्ते कहते हैं परेशान क्यों हो रहा है, बी बच्चों को छोड़ जा रहा है इसलिए परेशान हो रहा है, माँ बाप को छोड़ जा रहा है इसलिए परेशान हो रहा है, इस दुनिया के रिश्तेदारों को छोड़ जा रहा है परेशान हो रहा है। आओ मुझे ऐसी शख्सियतों को दिखाते हैं कि जिनको देखने के बाद मुझे तेरे अंदर खुश शौक पैदा हो जाएगा कि जल्दी अब हमें आंसू भर आ जाएगा, निगाहों की निगाहों को आसमान की तरफ उठाते हैं, उसे कहते हैं देखो अल्लाह शख्सियत को पहचान रहे होंगे, पहचान रहे हैं भाई, तो मेरे दादा के दादा है, सुना हुआ तुमने कहा, सुना था कि बहुत हसीन थे, कहा देखो तुम्हारे दादा के दादा है, ये उनके दादा है, ये उनके दादा है, अभी तमाम पूरे खानदान के रिश्तेदारों का दीदार होगा कि अचानक एक मरतबा पुरानी चीजें सामने निगाहों की आने लगेगी, अब तमाम अंबिया का दीदार करवाएंगे, फरिश्ते ये आदम है, ये नूह है, ये इब्राहिम है, इस्माइल है, ये खिज्र है, तमाम अंबिया का दीदार होगा, ऐसा में मतलब उसके बाद से आइमान का दीदार करवाने लगेंगे। हमारे दिल में शौक क्या रहता है, हमारे दिल में शौक यही रहता है ना कि हम इमामों से मुलाकात करें, हम अंबिया का दीदार करें, ऐसा में मतलब और एक एक मासूम का दीदार होता रहेगा। रिवायत के जुमले हैं, गुलाम थे, भाई लोग डाल दिया था, लिहाजा जनाबे सुलेखा जब उनकी आशिक हो गई, कुरान की बातें, तो मिस्र में लोग हैरत हुई कितनी खूबसूरत सुलेखा, एक गुलाम उसकी आशिक हो गई। तब जनाब सुलेखा को इल्तिफात हुई, अपने सहयोगियों को बुलाया, लड़के पास कहा तुमने यूसुफ को देखा, अभी देखा, बहुत सुंदर, अभी देखा, अभी देखा, अभी कहा वक्त मुकर्रर करती हूँ, दिन मुकर्रर करती हूँ, सारी सहेलियाँ आएंगी, बस एक बार यूसुफ को देखना, करना क्या, करना यह है कि एक हाथ का कुछ मिले, एक हाथ में नींबू है, हुस्ने यूसुफ चेहरे यूसुफ को देख के नींबू पे छुपी चला देंगे, तो ये कौन सा तुम्हारा वक्त मुकर्रर हुआ, दरबार सजाया गया, तमाम सहेलियां आई, जनाब सुलेखा ने तमाम सहेलियों के हाथों में नींबू और छुरी पकड़ा दी, कहा जैसे ही यूसुफ को देखो मैं इशारा करूं, नींबू पे छुरी चला देना। अब अल्लाह ने मोहतरम दरबार सज गया, सहेलियां बैठ गई, पर्दा उठा, हजरत यूसुफ दाखिल हुए, तमाम सहेलियों की निगाह हजरत यूसुफ के खूबसूरत चेहरे पे पड़ी। इधर जनाब सुलेखा ने कहा छुरी नींबू पे चलाओ, तमाम सहेलियों
नहीं है, पता नहीं चल रहा है, तो हम तो पूरी जिंदगी हरी 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 करते रहते हैं। एक बार देखा तो सामने भूख हरी हो और हमारे को निकल रही हो तो फिर कैसे एहसास हो सकता है। अभी तो दुनिया वाले हैं, तो जब मरने वाला मर रहा होता तो बड़े रूट होते हैं, फिर डायबिटीज होते हैं, माँ बाप होते हैं, बीवी शौर मर रहा होती है। अरे नदी का वाक्य है, कोई जुमला सुन सुन रहे बेटे हो गए, तवज्जो सुन रहा है, बेटे हो गए, माँ बाप हो गए, पूछा कि बेटे से पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, किसी बात पर आप मुझे यकीन बना दे रहा आपके पास हमारा है कौन, हमारा ख्याल कौन करेगा, अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ बीवी बोला आप क्यों बोल रहे हो, तो आप हमें बेवा बना के जा रहे हैं, आपके पास हमारा ख्याल कौन करेगा, अच्छा मैं तुम भी बेवा ही होगा सोच रही हूँ, अब आप क्यों बोल रहे हैं, बेटा बड़ा बात है वो भी अपने लिए, बीवी रो रही है वो भी अपने लिए, माँ बाप रो रहे हैं वो भी अपने लिए, बेटा इसलिए रो रहा है कि मैं यतीम हो जाऊंगा, बीवी इसलिए रो रही है कि मैं बेवा हो जाऊंगी, माँ बाप इसलिए रो रहे हैं कि मेरे बुढ़ापे का सहारा जा रहा है, अब भी इन लोगों को अपना ख्याल है, मेरा किसी को ख्याल नहीं, दुनिया किसी की वफादार नहीं हो सकती, मरने वाला मर भी रहा है तो अपना आमाल लेकर मरे वही उसके लिए फायदेमंद है, और मैं दुनिया सिर्फ मेरी होती सामने वाले की, ऐसे जो मरने वाला मर गया, मरने वाला मर गया, अब क्या है, अब ये है कि तीन चार चीजें मरने वाले की जिंदगी थी, तीन लोग बहुत मालूम है और हर जिंदगी में क्या क्या, का एक माल, दूसरा औलाद, तीसरा आमाल, नेक आमाल को तुमने जान लिया, फिर बाद तुम दुनिया के पैर से, अब यही भी ध्यान में उसने माल से मरने वाला पूछता है, हालत इंतजार में होता है, हालत इंतजार किसे कहते हैं, चांदनी का वक्त आखिरी वक्त होता है, हालत इंतजार को कहते हैं, इंतजार यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इंसान को आगे बढ़ने के लिए जो जिंदगी को नहीं देख पाता है, आखिरी वक्त होता है, हालत इंतजार को बहुत सारी चीजें देखता है, बहुत परेशान रहता है, बहुत सारी और चीजें होता है, हालत इंतजार में सवाल करेगा सबसे पहले माल से, मैंने तुम्हें कमाने के लिए क्या क्या नहीं किया, ना हलाल देखा, ना हराम देखा, ना आगे देखा, ना पीछे देखा, ना इनका देखा, ना उनका देखा, जिस तरीके से आया मैंने रहा सकते हो, ये बताओ तुम मेरा साथ कहां तक दोगे, माल कहेगा मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा कफन, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, कफन देखूंगा बस, मेरा नाम बस, नहीं ये मैं था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, कफन कर दे सकता, अब मायूस होकर अपनी औलाद की तरफ देखा, कहा बेटा पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए को जब माल जो कमाया था किसके लिए, जो बचा के जो रखा है पूरी जिंदगी, खुद चाहे मेरा पता न करता हो वो सारे मालों को बचा के जो रखा किसके लिए रखे, तुम्हारे को रखे, ना हलाल देखा, ना हराम देखा, ना सब देखा, ना भूख देखा, ना इधर देखा, ना उधर देखा, कहाँ से चाहा वहाँ से लेके आए, इसलिए तुम्हारे लिए तो मतलब नशा हो गया, और आप क्या कहते बाबा, बस आप रखिए मंजिल तक वहाँ उतारेंगे, ऊपर से कब बंद करेंगे और अपने घर ज्यादा खुश होंगे तो दसवां बीसवां चालीसवां तो चार बरस ही रहेंगे और अपने घर सुन जाना, अब बस कहा, अब मायूस इंसान अपने आमाल की तरफ देखेगा कि जिसको तो सही तरीके से जाने नहीं दिया, नमाज ईद बकरीद की, रोजा दो चार दिन जमानी रख लिया था, हज की इस्तेदार नहीं, ज़कात कभी दिया नहीं, खुम्स ये कौन सी बात, नहीं बात सुन रहे, खुम्स क्या है, पता नहीं जानते, अब
आप
आपने सुना है ना कि बेटियां अपने माँ बाप के जनाजों के सीना होती है, जिस घर में बेटी नहीं होती है उस घर पे जनाजा होता है, कुछ रौनक नहीं होती है। माँ बाप के जनाजे की रौनक होती है बेटियां, लेकिन माँ बाप के सामने ही बेटी इस दुनिया से चली जाए। मुझे नहीं पता कि माँ ने कैसे अपनी बेटी को रुखसत किया होगा, मुझे नहीं पता बाप ने कैसे अपनी बेटी को रुखसत किया होगा, मुझे नहीं पता कि भाइयों ने कैसे अपनी बेटी को रुखसत किया होगा। अजानी मतलब मुझे तो बस करबला दिखाई देती है। अगर करबला में सकीना का किरदार नहीं होता, करबला में ज़ैनब का किरदार नहीं होता, तो हमसे इतनी बड़ी मुसीबत बर्दाश्त नहीं होता। लिहाजा अपनी मुसीबत को जो है वो करबला वालों पर छोड़ देते हैं। अजीज और जाया का ऐसा भी चल रही है, ये सफर का महीना है, सफर के महीने में ही जरा सकीना की शहादत। मैं कहूंगा वाकई बाप के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत हुई, माँ के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत पड़ी, लेकिन जब तुम्हारी बेटी इस दुनिया से रुखसत हुई, तीन दिन की भूखी और प्यासी थी, जब आपकी बेटी इस दुनिया से गई तो कोई तमाचे मारने वाला नहीं था, जब आपकी बेटी इस दुनिया से गई तो किसी ने उसके दामन में आग नहीं लगाई थी, जब आपकी बेटी इस दुनिया से गई तो कोई उसके सर से चादर नहीं छीन रहा था। जरा करबला के मैदान में देखो, अरे एक बेटी सकीना है, बाप अभी मरा है, शहीद हुआ है, अरे कोई तमाचे मार रहा है, कोई दामन में आग लगा रहा है, अरे कोई सर से चादर छीन रहा है। लोग आते हैं उसके सर पे हाथ रखते हैं, कानों में गोशवारे नहीं है तो गोशवारे पहनाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं। अभी बाबा शहीद हुए थे, सकीना इसी इंतजार में थी कि अचानक शोर हुआ, एक मतलब बलून करीब गए, हाँ एक बलून जनाब सकीना के करीब पहुंचा, आज तो देखा कान में गोशवारे हैं, आज रिवायत कहती है उसने गोशवारे उतारे नहीं, एक मतलब दोनों गोशवारों को पकड़ा और जोर से फेंका, आज तो जनाब सकीना का कान कट गया। सकीना का काम एक लौंग और आगे बढ़ा, बीवियों की चादरें छेदने लगी, जनाबे सकीना के करीब गया, जनाबे सकीना के सर से चादर छीन, पूरे रास्ते जनाबे सकीना प्यासी रही। ऐलान मतलब वाकया मिलता है कि जब काफिला शाम के बाजार में पहुंचा, शाम के बाजार में पहुंचा, एक खातून जिनका नाम उम्मे हबीबा है, ऐलान मतलब जैसे ही वो अपने घर से बाहर आई, क्या देखा कि घुटा हुआ मसल आया है कि जिसमें कुछ बीवियां भी हैं। जनाब सकीना की तरफ बीवी की निगाह पहुंची, देखा कि ये बच्ची शायद कई दिनों से प्यासी है, इसके होंठ खुश्क हैं, लगता है इसको पानी नहीं मिला है। एक मतलब अपने एक हाथ में खजूर लिया, एक हाथ में प्यासा लिया, पानी का प्याला लिया, लेने के बाद जनाब सकीना के करीब गई, जाने के बाद से कहा है बच्ची हाँ ले तेरे लिए मैं पानी लेके आई हूँ, कुछ खजूरें लेके आई हूँ, हाँ लेकिन पानी पीना, मेरे लिए कुछ दुआएं कर देना, मेरे लिए कुछ दुआएं कर देना। एक मरतबा जैसे ही जनाब जरा के सुनाना जरा के सकीना से गाय बेटी पानी बात कर पीना, पहले इस हाथ में दुआएं कर दे, हाँ लोग क्या दुआ करवाई है, एक मरतबा गाय सकीना मेरे लिए दुआ कर दे कि जैसे तू यतीम हुई है मेरे बच्चे यतीम ना हो, चार साल की एक बच्ची ने अरे चले हुए कुत्ते का दामन उठाया, जैसे मैं यतीम हुई हूँ इसके बच्चों को यतीम कर देता। आज जाने भर उसके बाद दूसरी दुआ, बाद दूसरी दुआ क्या है, बाद मेरे लिए दुआ कर दो, मुझे मदीने जाना नसीब हो, मुझे मदीने जाना नसीब हो। अरे तो जाए ना मेरे जैसे ही मदीने का नाम सुना अरे तुम तड़पने के बाद से कहे क्या है कारबोन, अरे मदीने जाके क्या करोगी, बाद में नहीं पता मदीने में मेरे शहजादा हुसैन रहता है, मदीने में मेरा शहजादा अब्बास रहता है, तो मैं नहीं कहता मदीने में मेरा शहजादा अली अकबर रहता है। हाँ अल्लाह ने महदम एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा अच्छा सिर्फ शहजादे रहते हैं,
किसी खातून को नहीं जानती, बोलते आप कैसे बात कर रही हैं, मेरे पति ने मेरी शहजादियां बेटी है, लेकिन तुम्हें पता नहीं ये शराबियों का बाजार है, मैं अपनी शहजादियों का नाम नहीं ले सकती। एक मतलब कहने का, अगर इस बाजार में भूलते न पड़ेगे, एक मतलब में अभी आने का, ऐ खातून अपनी जबान को मेरे को, अरे सामान और मेरी शहजादी जैना, उम्र बेटा जो है माँ जो है बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती है, बाप बेटों से ज्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए मोहब्बत ज्यादा करता है, इसलिए बचपन से बड़ा करता है, पालता है, बोझता है, खिलाता है, पिलाता है, उसके दिल में रहता है जब बेटी जवान हो जाएगी एक दिन रुखसत करके दूसरे घर में ही होगा, इसलिए बहुत मोहब्बत करता है। नाने मोहब्बत हाँ करबला के मैदान के बाद शाम के बाजार में बाप बेटी की मोहब्बत का इंतजाम किया गया है। शाम के दरबार में पहुंचा ना, एक मतलब यजीद को खबर हुई है कि सकीना हुसैन की बेटी है, हाँ पापा इससे बहुत मोहब्बत किया करता था, यजीद ने बड़ा इम्तिहान दिया, कहा मैं कैसे मंजू पास जाऊँ, हुसैन सकीना से इतनी मोहब्बत करते थे, आज लाने मोहतरम सर हुसैन मंगवाया गया, तस्के तलाक में रखा हुआ सर हुसैन, ऊपर से तलाक डाला हुआ था, एक मतलब गिलाफ को हटाया, सकीना ने अपने बाबा के चेहरे को देखा, यजीद ने कहा तू अपने बाबा से मिलना चाहती है, कहा यजीद मेरे बाबा से मुझे मिला दे, यजीद ने कहा Thank you.